भाई लोग सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, ये स्मॉल टाउन रेडर बाइक नहीं है, ये रही भाई की तो दोनों गाड़ियाँ आई हैं देखो। तो आज का लाइनअप, ये भाई जिमनी छोटी तो है पर है बड़ी देखने में सही। तो वो देखो आज छोटा ही लाइनअप है काफ़ी, थार, जिमनी, स्कॉर्पियो, ऋषभिया की थार 700 और ये ऋषभ शर्मा की जिप्सी और ये अपनी मॉडल रेड बाइक की थार और ये अपनी फॉर्च्यूनर। सो आज का प्लान यही है, छोटा मोटा ऑफ रोड करेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे आगे। क्या हाल चाल है, ठीक हो? आपको देखा, आप अखनूर अकेले अकेले ऑफ रोड करते हैं। अरे आ जाओ, हमें बताते ही नहीं आप। मालिक भाई सो ये लखन भाई तरुण भाई, तो चलो अब हम जाने हैं अपनी। इसका आइडिया कैसा लग रहा है, छोटा मोटा ऑफ रोड? ये मानिक भाई अपने, इनका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यूट्यूब से बड़ा, यूट्यूब को एड रेवेन्यू ये देते हैं। गाइस ये सब मजाक हो रहा है, इसको सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लिया जाए। तो भाई शुरू हो गया ऑफ रोड, देखो यहाँ तो बड़ी आराम से निकल जाएगी यार। और जो पीछे भाई इस साइड नहीं है, इस साइड है, डीप है, डीप है, डीप है, पीछे थोड़ा पीछे। यहाँ पे भाई डीप है, गाड़ी फंस भी रही है, निकल गई, थोड़ा थोड़ा जोर लग रहा है और ये तेज आएंगे। अब भाई के इरादे ठीक नहीं लग रहे, थोड़ा सा लगो सा आराम से, ऐसे ऐसे कुछ ये दोस्त निकल कर उठी आराम ना करो ना बाकी भी मोटे। भाई अब फॉर्च्यूनर जा रही है, भाई आगे देखो, पानी देखो, पानी ही पानी हो गया है, आगे देखो भाई, आगे देखो कितना यार कार जा रही है। ये सेंटर से इजी है ना, हाँ आप रास्ता बीच में बिल्कुल एक साइड से तो बड़ा क्या, बट हाँ फिर भी निकल रही है आराम से, निकल रही है। कार के लिए प्रिंट बन गए देखो कितने सही। दो बार हॉर्न मार ली, उड़ान ही थी और ये नहीं फटे, तेज निकालना, एसी कर लो बंद, ये फोर है, फोर है ना।
हाँ अब आएगा वहाँ से। नहीं भाई साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, आगे से हट जाओ। नीतू जी भाई, नीतू जी बड़े आराम से निकल गई है। सब यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे कि आगे की तरफ जाना है या यहीं पे करना है। भाई ये देखो टायरों की हालत, बट यहाँ से एक्सट्रीम ही है। ने बंदे ने घर देखो कहाँ बनाया है, और लोकेशन चेक करो यार, इससे ब्यूटीफुल लोकेशन हो सकती है घर बनाने की। भैया सबसे पहले सूरज की किरण वहां पड़ती होगी। देखो मनाली हाँ। सेम भैया, और कुछ नहीं, वहां वहां घर बनाना। वो देखो तो भाई गाड़ी आ रही है आएगी, पर आएगी जरूर, आएगी 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 आएगी। पानी ज्यादा ना, पानी ज्यादा, पानी रोक रहा है। तो भाई यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जिप्सी स्टक हुई थी, बट बड़े आराम से निकली विंच के साथ। अब यहाँ देखते हैं, मुझे लग रहा है अभी फंसेगी, फंस गई। पावर थोड़ी देनी पड़ेगी गाड़ी को, मैनुअल डिप। जब गाड़ी को पिछले टायर जब एक साथ पावर पकड़े तो बड़े आराम से गाड़ी निकल जाती है, और यही गाड़ी ने करके दिखाया है। यहाँ से बहुत आराम से फिट से निकल गई है, क्योंकि ये बड़े टायरों की गेम है यहाँ पे, और बड़े टायरों की सब सीन है। बड़े आराम से निकल गई है, तो फिर से भाई ट्राई करेंगे एक बार इस साइड से, जिससे कि जगह बन जाए। बट ये है कि जो मैनुअल डिप का है बहुत सही चीज़ है, चेक करो भाई, बहुत प्रॉपर सीन से निकल रही है गाड़ी। और ये देखो, और बहुत आराम से, बड़े आराम से निकल गई है, बहुत अच्छी समझदारी। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, बम्पर एक भी नहीं रहना। हेलो, महिंद्रा में है कोई आपका बंदा, अपना खास बंदा है कोई? नहीं है तो फिर बम्पर पीछे बांधने पड़ेंगे। मेरी सर काटो, हाँ जान दो आराम से, और काटो थोड़ा सा, इजी आराम से, राइट लेफ्ट लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट मेरी साइड, हाँ थोड़ा लेफ्ट, चलो आराम से, बिल्कुल स्लो। भाई बम्पर देखो पूरा पानी में, बट ये बहुत सीधा करो, पैर सीधा करो, जान दो निकल जाएगी। ये देखो प्रिंट नहीं रहते हुए,
अपना थ्रो नहीं डाला। पीछे पीछे और पीछे कर लो, मोमेंटम बनाओ। इस साइड हाँ थ्रो दिए नहीं, बिल्कुल आराम से उतारी। या इस टायर इधर करो, टायर इधर। हाँ तो भाई ये बाहर आ गए आराम से, सब आगे की लोकेशन पे जाएंगे। सामने दिख रहा है, सामने शो करता है। OWD लग गया ना, ना रोड तो नहीं है, मेरे को लग गया। वो नहीं है, देखो इतनी बड़ी थार ने की है और उसके बाद जिप्सी ने किया, अब इसके बाद मुझे लगता कोई और गाड़ी ट्राई भी करेगी। और ये बड़े आराम से, बड़े आराम से बहुत अंदर भाई, एकदम भी फील नहीं हुआ कि गाड़ी ने इतनी पावर लगाई है, और गाड़ी बहुत आराम से निकल गई है, बहुत आराम से भाई। देख लो हाल, नहीं नहीं भाई एक्सट्रीम पावर है आपकी गाड़ी में, पूरा अंदर तो फील भी नहीं हुआ, कंफर्टेबल लेवल बड़ा हैवी है अंदर, नहीं इतना बदलता है। हाँ सो भाई ये इस साइड रखना, इस साइड रखो गाड़ी थोड़ी सी, हां सीधे ऐसे रखना। सो भाई जान दो, जान दो ये अब बैठ गई पीछे निकाल लो, यहाँ पर फंस चुकी है फॉर्च्यूनर। विंग से करेंगे रिकवरी आगे। ये देखो ये लड़का अंदर नहीं जा रहा था, कहता मैंने नहीं जाना, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। ऐसा ही लड़का, देखो इसको मैंने बुलाया वहां से, और ये भाई बोलता है ये वाले भैया को कि तेरा सक्का भरा भी आया है, इनने भी चप्पल पाई दी है, पर ये क्यों नहीं आया? गंदे आदमी है। अच्छा लड़का है, चल जल्दी करो, इधर है, इधर है क्या कुंडा? हंसना था भैया, हंसना था। चलो चलो बॉयज, कोई गल नहीं, चॉकलेट खिलाया उसे सारे, चॉकलेट। तो भाई थार को तो खींच रही है फॉर्च्यूनर, थार खिंचो रही है, फॉर्च्यूनर खींच रही है थार को आराम से। सो अभी कोई नई टेक्निक यूज करने लगे हैं, पुली, हाँ पुली से करने वाले हैं, क्योंकि पुली से क्या होगा कि स्मूथ रिकवरी हो जाएगी और गाड़ी को ज़्यादा जोर भी नहीं लगेगा, जिससे कि फॉर्च्यूनर बच जाएगी, फॉर्च्यूनर के बम्पर नहीं जाएंगे। और उसके लिए करना पड़ेगा दो गाड़ियों का यूज़, जो कि एक भाई की अपने और एक तरुण भाई की। सो आज पहली बार पुली वाली रिकवरी करने लगे हैं, सो आप देख सकते हैं इससे क्या होगा कि उस गाड़ी पे ज़्यादा जोर रहेगा, ऋषभ भाई की गाड़ी पे ज़्यादा जोर रहेगा, और वो इतनी भारी है कि जिससे इसको मुश्किल भी नहीं होगी। और हमने ऋषभ भाई की गाड़ी के साथ पुली बांध दिया, आप देख सकते हो, और फिर उसके बाद फॉर्च्यूनर के साथ, और वहाँ से वहाँ। तो मेन जो जोर है वो आएगा ऋषभ भैया की गाड़ी पर, थोड़ा सा जोर आएगा स्मॉल टाउन राइडर की गाड़ी पर, जिससे कि क्या होगा कि गाड़ी खिंचो जाएगी। सो अभी जोर तो बरो रहा है, बट ऋषभ भैया गाड़ी खींच रही है,
आप देख सकते हो, देखो खींच रही है वहां से। सो जितने भी भारी है देखो, दोनों गाड़ियां कचोड़ी हैं, बट फॉर्च्यूनर को हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर्च्यूनर बिल्कुल भी नहीं हिली अपनी जगह से। सो गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं हिली, वो गाड़ियां दोनों अपनी पोजीशन से बहुत ज्यादा आगे पीछे आ गई हैं। सो बिल्कुल बट कम लग रहा है। सो ये देखो, सो अब थोड़ी थोड़ी फॉर्च्यूनर हिलती हुई दिख रही है, बट फिर थार पीछे जा रही है, बट फिर थार पीछे जा रही है। देखो थार काफी ज्यादा पीछे चली गई है, जहां पे थार रुकी हुई थी। फॉर्च्यूनर निकल रही है, बट सिर्फ अपनी वो पावर से थोड़ी थोड़ी पीछे हो रही है। यही है कि फॉर्च्यूनर फंस चुकी है, दो थारे लगा के भी वो हिल ही नहीं रही बिल्कुल भी। मतलब इतनी देर से हम खड़े हैं, कभी यहाँ साइड से जोर लगा रहे हैं, अभी पुली से लगा रहे हैं, क्योंकि सिंगल थार से तो कुछ हो नहीं रही थी। अब दोनों साइडों से भी नहीं इतनी पावर लग रही कि गाड़ी निकल पाए, बट निकालनी तो आई है। और आगे काफ़ी ज़्यादा लंबा अभी ट्रैक बचता है हमारा, तो अगर ये फॉर्च्यूनर जल्दी निकल गई तो आगे की तरफ जाएंगे। बाकी अभी देखो, अभी कोशिश चल रही है पूरी निकालने की, पुली साइड से भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट ना शुरू हो गई है। बट भाई उसको पता ही नहीं है, फॉर्च्यूनर बिल्कुल हिल ही नहीं रही वहाँ से। फॉर्च्यूनर को कोई भी मतलब कुछ भी पता नहीं लग रहा उस गाड़ी को। देखो फॉर्च्यूनर बिल्कुल नहीं हिल रही भाई। भाई ये देखो अब क्या किया, अब जो ये लास्ट जो हम कर रहे हैं कि ऋषभ भैया की थार को पीछे टो गया हुआ, ताकि ये वाली थार आगे ना जाए। और फॉर्च्यूनर अपनी थोड़ी थोड़ी निकल रही है बाहर, अब शायद निकल ही जाए जिस हिसाब से लग रहा है कि निकल जाएगी। और आ रही है फॉर्च्यूनर, आ गई है, आगे 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 आगे। टायर हाँ पानी गया हुआ, पानी गया हुआ, पानी फॉर्च्यूनर के अंदर पानी चला गया। देखो पानी आगे, ये ना शॉट में उधर देखा के हां प्रिंस गाड़ी के अंदर। देखो पानी पानी चला गया था, वो देखो आगे पानी निकल रहा है। और ये टायर देखो, हवा वाला पंप तो था ही, इसको तार नहीं ना लगी आपको पानी। आप इन्हें काम की ये टायर पंचर की था, दो साल आज पे त्रै बारी बस ले अपनी गड्डी देख बारी चुकवा दी है, भले भी देखो गलत ला रहे के टायर नजर मारी लो भैया, बट मुश्किल
क्या नट खोलने के पीछे इस आदमी को देखो ध्यान से। चाबी ले आओ, खोलो यार, उसमें क्या है? एलकी नट पड़ा हुआ है, एलकी वाला थोड़ी है, इसको एलकी ये डाली हुई है, ये है ना, वो तो उसका लक्ष्य है। हां एलकी नट खुल जाए जिसके बाद पूरी किट होगी तो एलकी भी तो होगी उसके पास। कार में कितना कुछ आता है? आता है तो है, अपनी में कुछ पड़ा हुआ है? क्या क्या चाहिए आपको? अपनी में खाली जैक लगाया है, इतना काम किया बस डायल के लिए। लॉक नहीं, बड़ा वाला जैक है, बड़ा वाला जैक ये देखो। लाओ मारे, लाओ जैक के, लाओ तीन ड्रम है और एक इसका अपना रिम है, बट एक्सट्रीम तो अभी भी हो सकता है, बट इतना ज्यादा एक्सट्रीम करेंगे नहीं क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे देखते हैं। बाकी फॉर्चुनर के अंदर भी काफी ज्यादा पानी चल गया, वो देखो, पानी भी नहीं मिट्टी कह सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा मिट्टी भाई, एक्सट्रीम वाली मिट्टी। सो अभी एक बार करेंगे ट्राई। इसी क्या हुआ कि ये इसकी नलकी टूट गई है, टायर की नलकी टूट गई है, जो इसकी मेन जहाँ से हवा नहीं हवा होती है, जो ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट ब्लैक वाला, उस रिम का वो टूट चुका है, उस वजह से हवा निकल गई है। बड़ी गंदी हालत हो चुकी है, मतलब टायर फिट करने में और उसको निकालने में। स्टॉक वाला टायर अभी लगा दिया इस पर, तीन ड्रम है, एक स्टॉक है, बट चलेगा आप काम। यहाँ से देखते हैं आगे, आगे यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। बाकी ये वाली लोकेशन तो काफी खतरनाक थी, अपनी फॉर्चुनर का हो गया बुरा हाल। अब यहाँ से निकलते हैं, स्कॉर्पियो देखो कहाँ से निकाल रहे हैं, स्कॉर्पियो फंस रही है। देखो टायर बन सामने दिख रहा है आपको, टायर बन दिख रहा है। देखो ये स्टीप आपको ऐसे दिख रही होगी, बट ये बहुत ज़्यादा है, इस लेवल से अगर आपको दिखाऊंगा तो देख सकते हो आप कि ये स्टीप काफ़ी ज़्यादा है, और ये आसान नहीं होगा निकालना यहाँ से गाड़ी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो गाड़ी बिल्कुल इस वक्त 90 डिग्री पे। जी 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 बाबा, आराम से आराम से, इतना ईजी है नहीं। और ये निकाल दी निकाल दी निकाल दी, ओ ये वाकई क्लियर है, क्लियर। टायर सीधा कर लो, देख सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अब अगला नंबर है स्कॉर्पियो का। ओ भाई सही है, काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, और भैया ने कह दिया कि साइड साइड हो जाओ। तो एक्सट्रीम है, शायद क्वालिटी ना जाए गाड़ी इसके लिए, बस खत्म। तो भाई अंकल हमारी हेल्प कर रहे हैं यहाँ से रोड बनाने में, ताकि हमारी थार आ पाए ऊपर। भाई लोकल्स की हमेशा सपोर्ट रहती है जहाँ पे भी हम जाएँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोकल किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं की हो, मतलब हमेशा सपोर्ट ही मिली है, हेट मिलती है बस पुलिस वालों से। तो भाई ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, जिमनी आ रही है, इधर जाओ नीचे, भाई वो देखो जिमनी आ गई वहां से। चलो आने दो, बस बस इतना नहीं सोचना, जब टूटेगा फिर देखते हैं। अरे अब अपनी जिमनी, और ये काफी ज्यादा टफ है, अगर आप इस एंगल से देखें स्टीप तो काफी ज्यादा स्टीप है ये जगह, यहाँ से दो बार फेल हो चुकी है। सो
बस किधर जा पा रहा है आए आनी चाहिए आराम से हर जाओ हर जाओ हर जाओ साई को पिछे होइए थले आना तू तेरे साइज की हड्डी भी नहीं मिलनी पिछे यहाँ ये आ गए स्मॉल टाउन राइडर हमारे तरुण भाई इजी इजी सीधा सीधा यहाँ से तरुण भाई आ रहे हैं तो यहाँ से आप एंगल देख सकते हो काफी ज्यादा स्टीप है ये देखो काफी ज्यादा स्टीप एंगल है भाई 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 ये देखो बिल्कुल नई गाड़ी है बंदा सोचता तीन बार की भाई इसके आता गाड़ी का ओ भाई बहुत है आराम से बिल्कुल आराम से कोई नहीं लगी टच नहीं हुई नहीं हुई नहीं कहीं नहीं जाती वेट 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 आराम से आराम से आराम से आराम से क्लैपिंग चला रहे हैं जिमनी तो ये ऑनेस्टली मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ बट जैसे घर पे जिप्सी लगी है वैसा ही फील आ रहा है बट इसमें एसी है बट हाँ इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है गर्मी से वैसे बुरा हाल है बोला भी कुछ नहीं जा रहा एसी भी काफ़ी पावरफुल है बाकी रोन भैया ने चलाई रोन भैया से पूछते हैं कैसी है आपको ऐसी लगती है ना सेम जिप्सी है एसी का दे दिया वो इंजन स्मूथ है सस्पेंशन स्मूथ है इसकी बाकी जो कहते हैं कि हाई स्पीड में जे इसका हैंडल बड़ा वॉबल करता है वो सच है अच्छा अच्छा वो तो तभी करता ना इसमें टायर डाले हैं तो उसकी वजह से अगर जब ये स्टॉक टायर पे थी तब इतना ज्यादा करती थी या नहीं तब नहीं करती थी ये जा मेरे को लग रहा है कि चेंज हो गया प्लान में चेंज देखो चुके हैं अब यहाँ पे होगा फोटो शूट बाकी गाड़ियां आप देख सकते हैं देखो सही आंटी मेरे को बार बार बोल रही है बट हम नहीं सुनेंगे इनके गाड़ी की देखो ओवरऑल फील बहुत सही है इसका की इसकी स्विफ्ट जैसी है कुछ खासा अंतर कह नहीं सकते बट बाकी अंदर से इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह बाकी सब सही है जब आप की पासिंग करते हैं तो बाकी देख सकते हैं अभी इसका मारुति का लोगो वगैरह आता है बाकी ये जिप्सी का क्लस्टर ही है बस आप कह सकते हो कि थोड़ी अपग्रेडेड वर्जन ऑफ जिप्सी काफ़ी ज़्यादा सही है अंदर से बाकी अभी ग्रुप फोटोज़ का करते हैं सारी गाड़ियाँ लग गई हैं सारी गाड़ी लगी हुई है देखो भाई देखो भाई बाकी गाड़ियां सारी जिमनी से शुरू है और वहां पे लास्ट गाड़ी थार जिमनी जिप्सी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर उसके बाद थार थार सीआरडी 700 उसके बाद भी थार स्टॉक थार तो देखो भाई आज का जो लाइनअप था